खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है, जहां बता दें कि जाति की राजनीति तूल पकड़ रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। संसद में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही तो अनुराग ठाकुर ने जाति ही पूछ ली थी। वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में गए थे और उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की भड़काने की नीति, झूठ बोलने की नीति, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को बढ़ाने का काम नहीं, लेकिन देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पर ले जाने का कोशिश कर रही है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। झूठ बोलने की नीति, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं। और आज जो कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है, जो देश को बढ़ाने का काम नहीं लेकिन देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है, भाई भाई के बीच में झगड़े तय करने की कोशिश कर रही है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किया, आज जात जात की बात करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी का सफाया इस चुनाव में हुआ है, 13 राज्य में खाता नहीं खुला है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला हुआ है वहां केवल 25% का हिट रेट हुआ है, और 2014 की सीट हम ले लें, 2019 की सीट ले लें, 2024 की सीट ले लें, जितने सीटें इन तीनों चुनाव में कांग्रेस जीती है।